वेलकम टू स्टाइल एस जे। फ्रेंड्स, टुडे इज दिवाली। वेलकम टू दिवाली व्लॉग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी दिवाली कैसे मनाती हूं और आज के दिन मैं क्या क्या मस्ती करती हूं, क्या क्या फन करते हैं, तैयारियां, एवरीथिंग। सो होप आज का भी व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मैं बिज़ी हूँ अपने ब्रदर की वेडिंग में। बहुत सारी तैयारियां हैं, सो मैं उनकी भी छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसका व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। होप वो वीडियोस भी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। सो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज के दिन में मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या डेकोरेशन किया, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के डे में मैंने ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी डेकोरेशंस जो मैंने दिवाली के लिए की है अपने घर में। सो आज लंच में मैंने बनाई है मटर पनीर, छोले, शाही पनीर, राइस एंड पूरियां विद सैलेड। डेकोरेशन जो मैंने की है घर के अंदर, और बाहर की लाइटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी इवनिंग में। और अब मैं जा रही हूँ बाहर रंगोली बनाने, तो उसकी भी पूरी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फटाफट से बनाते हैं अपनी रंगोली। झटपट सी रंगोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लावर्स को तोड़ लिया है। ये बहुत ही ईजी और अच्छा ऑप्शन है रंगोली के लिए। और ये है मेरे मेन डोर का डेकोरेशन जो कि कुछ इस तरीके का है। और गेट के बाहर ये जो स्पेस है, यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ रंगोली। बहुत ही इजी और क्विक रंगोली बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी रख दिया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और उसमें मैं डालूँगी फ्लावर्स। कुछ रंगोली कलर्स से बनाते हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से बनता है। और ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। सो हमने कुछ इस तरीके से पानी में फ्लावर्स को प्लेस करके उसके ऊपर कैंडल्स लगा दी, और उसके चारों तरफ मैंने यहाँ पर रंगोली कलर डाल दिया। ये मोटे बरक वाली रंगोली है जो कि बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाती है। अब इसकी साइड डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे हैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं भी चेक कर रही हूँ कि ये हैक काम करता है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे कुछ कॉइल्स लिए हैं जिसे कछुआ छाप भी कहते हैं, और उसके ऊपर मेरा बेटा रंगोली कलर्स डाल रहा है। ये हैक बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है इसे करना, और बहुत अच्छे रिस्पांस इसके नहीं आए हैं। सो इट्स नो फॉर मी, आप इसे बिल्कुल ट्राई मत करिए। सो अब ऑलमोस्ट मेरी रंगोली कंप्लीट है, तो कुछ इस तरीके की रंगोली मैंने बनाई है। तो चलिए दिखाती हूँ इसका लुक। बहुत ही इजी और सिंपल रंगोली है ये। और गेट के साइड साइड दिया रखने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी रंगोली बनाई है, और इसमें भी मैं आपको एक हैक दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर इस स्पून के थ्रू उसके ऊपर मैंने एक कैप स्टिक की हुई है जिससे इक्वल क्वांटिटी में आपके ये डॉट्स गिरेंगे और आपकी रंगोली काफ़ी फिनिशिंग से बनेगी। ये बहुत ही अच्छा टूल हैक है जिसके थ्रू आप इक्वल रंगोली के कलर्स गिरा सकते हैं और आपकी रंगोली बहुत नीट एंड क्लीन लगेगी। गाइस, मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत ही सिंपल और क्विक रंगोली बनाई है। 1 आवर के अंदर मैंने इसे कंप्लीट किया है। छोटी सी ठीक ठाक सी बन गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइटिंग एंड डेकोरेशन, के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज का आउटफिट और मेरा दिवाली लुक। तो मैं आ चुकी हूँ बालकनी में और आपको दिखाती हूँ मैं डेकोरेशन का पूरा लुक। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये डेकोरेशन। दिस इज़ माई टूडेज आउटफिट, ब्लू साड़ी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करके बनवाया है।
ये एक कोटी स्टाइल ब्लाउज है जिसे ओपन बटन के साथ बनवाया है और इसमें लेसेस लगवाई हैं। साइड्स में आप देखेंगे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। आप इसे एज अ क्रॉप टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मैंने साड़ी के ही दिए हुए ब्लाउज से क्रिएट करवाया है। सो आप भी इससे डिज़ाइन आइडियाज़ ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये डिज़ाइन और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने में। बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है, नेक भी छोटा बनवाया है। इसको मैंने एज अ क्रॉप टॉप ही बनवाया है। सो कुछ इस तरीके का है ये ब्लाउज। नाउ बैंगल्स के लिए मैं यहाँ पे कड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कुछ इस तरीके के ब्लू कड़े हैं। रेशम वर्क में ये कड़े हैं और इन्हें मैंने बाय किया है लाजपत नगर मार्केट दिल्ली। इसे मैं वन हैंड में वेयर करूँगी। आप वन हैंड में जब वेयर करते हैं तो बहुत सारी चूड़ियों का एक अलग लुक आता है। अनदर हैंड के लिए मैं ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल करूँगी जो कि रोज़ गोल्ड में है और बहुत ही परफेक्टली मैच है इस साड़ी के कलर से। नेक पीस के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सेट जो कि मैंने धनतेरस पे बाय किया है और ये रिलायंस ज्वेल्स का सेट है। ये सेट मैंने धनतेरस पे बाय किया था बट उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। सो इसका लुक कुछ इस तरीके का है और आज दिवाली पे मैं इसे वेयर करने वाली हूँ। सो आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। सो चलिए देखते हैं आज का दिवाली लुक। पूजा एंड दिया जलाने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनाने। सब इकट्ठा होते हैं, साथ में दिवाली मनाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सोसाइटी का ब्यूटीफुल डेकोरेशन।
ऑल द फन मस्ती मैं आ गई हूँ वापस किचन में पूड़ियाँ बनाने की। सब्जी मैंने ऑलरेडी बना रखी है सो अभी मुझे जल्दी से पूड़ियाँ तलनी है। That's it for today's video. Hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दिवाली सेलिब्रेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ जल्दी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। स्टे हैप्पी, बी स्टाइलिश, बाय बाय।